हर फोन की अपनी खासियत होती है और ये जो नया फोन आया है इसकी खासियत है इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। मतलब कैसे? मतलब इस फोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर इस फोन के डिस्प्ले के अंदर ही बना हुआ है। अच्छा, तो फिर उसमें मतलब अपना अंगूठा लगा के KYC भी हो जाती है क्या? तू नए सवाल खड़े मत कर। ये फोन है Vivo X21 और क्या है इस फोन में खास और क्या है इसके फीचर्स बताऊंगा आपको इस वीडियो में। हाँ, लोगो चला दो भी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ये सब्सक्राइब बटन दबाएं, उसके बाद साथ ही नजर आ रही घंटी को दबा दें, सेंड मी ऑल नोटिफिकेशंस फॉर दिस चैनल को टिक कर दें, सेव करें, इससे जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हमारा हर वीडियो देख पाएंगे। नमस्कार, डिजिट हिंदी के इस न्यूज सेक्शन में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं उस फोन की जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है और जिसका नाम है Vivo X21। आपने बताया था अभी पहले, इसके फीचर्स बता दो आप। ओके, तो पहले मैं आपको इसके सारे फीचर्स बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा इसकी कीमत। अरे कीमत कितनी भी हो, पैसे देते टाइम तकलीफ तो होती है भाई बंदे को। इसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए ये बात करते हैं इस फोन के फीचर्स की। Vivo X21 स्मार्टफोन में 6.28 इंच की एमोलेड फुल व्यू डिस्प्ले मौजूद है जिसके टॉप पर एक नॉच है और रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो इसके डिस्प्ले का रेजोल्यूशन 1080x1280 पिक्सल है और ये फुल HD प्लस डिस्प्ले है जिसका एस्पेक्ट रेशो है 19:9। इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशो है 90.3% और इस स्मार्टफोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर भी मौजूद है। प्रोसेसर की बात करें तो Vivo X21 में ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 660 चिपसेट मौजूद है और इसकी क्लॉक स्पीड है 2.2 GHz और ये एड्रेनो 512 GPU के साथ आता है। अब बात आती है इसकी मेमोरी की, तो Vivo X21 में 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज मौजूद है। कैमरा की अगर बात करते हैं तो 12 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है इसमें और जो ड्यूअल पिक्सल टेक्निक के साथ है, AI HDR और AI रिकॉग्निशन से लेस है। एपर्चर की बात करें तो एपर्चर इसका जो 12 मेगापिक्सल वाला कैमरा है वो f1.8 एपर्चर से लेस है और जबकि जो 5 मेगापिक्सल वाला है वो सेंसर f2.4 एपर्चर के साथ आता है। Vivo का दावा है कि ये AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीन रिकॉग्निशन 17 सीन तक डिटेक्ट कर सकता है और हर समय यूजर्स को परफेक्ट शॉट कैप्चर करने में मदद करता है। सेल्फी के लिए इसमें 12 मेगापिक्सल का सेंसर मौजूद है जो f2.0 एपर्चर और AI फेस ब्यूटी फेस फीचर्स के साथ आता है। मशीन लर्निंग का उपयोग करके ये सेल्फी एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बढ़िया बना देता है। इसकी अगर रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो इसका जो फ्रंट कैमरा है सेल्फी कैमरा उसकी 1080 पिक्सल पर ये फुल HD रेजोल्यूशन वाले वीडियोज़ भी रिकॉर्ड कर सकता है। सेल्फी और वीडियो के अलावा फ्रंट कैमरा को फेस रिकॉग्निशन तकनीक पर भी अपग्रेड किया गया है। ये फ़ोन 4G VLTE को सपोर्ट करता है। बैटरी की बात करें तो इसमें 3200 mAh की बैटरी मौजूद है जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। Vivo X21 Android 8.1 Oreo पर आधारित है और फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम 4.0 पर काम करता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, यानी फिंगरप्रिंट स्कैन के लिए अलग से कोई बटन या स्कैनर नहीं दिया गया है बल्कि डिस्प्ले में ही टच करके आप फिंगरप्रिंट स्कैन कर सकते हैं। और अब बात आती है इसकी कीमत की, तो इसकी कीमत जो है वो Vivo X21 की कीमत 35,999 रुपये है। ना, ये अपना ये मिलेगा कहाँ? अब ये मिलेगा फ्लिपकार्ट पर और Vivo के ऑनलाइन स्टोर्स पर। 3000 रुपये की अपना नो कॉस्ट EMI बैटरी है एक साल की और 1231 रुपये की बैटरी 3 साल की EMI इसकी। आपने ये जो फ़ोन लिया है या जो फ़ोन ख़रीदने वाले हैं उसे आपने फुल पेमेंट देने वाले हैं या EMI पर लेंगे, आप नीचे कमेंट में बताएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो कर लें और इसके साथ साथ थैंक यू एंड बाय।